रुकियो, छतरपुर जिले राहत अली को पुलिस की मांग पर 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी से और पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए मांगी कोर्ट से रिमांड मांगी थी, जिसके चलते विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी शहजाद अली को पुलिस की मांग पर 3 दिन की रिमांड में भेज दिया है। वही पुलिस का मानना है कि शहजाद अली से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वही पुलिस न्यायालय से आरोपी को थाने लेकर रवाना हो गई। हाजी को आज गिरफ्तार किया गया है दोपहर के वक्त और एमएलसी करा के न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने रिमांड लिया 3 दिन की और इसी रिमांड में हम पूछताछ कर खुलासा करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ों की खुलासे होने बाकी हैं। पुलिस इस मामले में कई एंगल पे जांच कर रही है। हाजी शहजाद इसमें मुख्य आरोपी हैं, उनकी पूछताछ से बहुत सारी चीज़ें खुलासा होने संभव। देखिए, जैसा कि आप सभी को विगत कुछ दिनों पहले कोतवाली सहित जो अन्य पुलिस कर्मियों पर जो पथराव हुआ था, उसी मामले के जो मुख्य आरोपी हैं शहजाद हाजी को आज कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जो विशेष न्यायालय है SC ST वहाँ पे उसको पेश किया गया था, जहाँ पे कोतवाली पुलिस द्वारा शहजाद हाजी का जो है 3 दिन के पुलिस अभिरक्षा की मांग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें दोनों पक्षों माननीय न्यायालय द्वारा शहजाद हाजी को 30/8/2024 तक के 5:55 तक के लिए पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया। 3 दिन के लिए आवेदन लगाया गया था। देखिए, जो अभियुक्त के जो अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता, उनके द्वारा जो है कहा गया कि चूंकि ये घटना में कहीं दिख नहीं रहे हैं, इन्होंने जो है प्रयास किया कि और उनकी कोई अपराध में ऐसी संलिप्तता नहीं है, ये उनके अधिवक्ता का कहना है।